हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि पढ़े हुए आंसर या बुक्स को हमेशा के लिए कैसे याद रखें। अगर आप पढ़े हुए आंसर को एग्ज़ाम के टाइम भूल जाते हो या एग्ज़ाम में आंसर को लिखते टाइम भूल जाते हो तो आप सही वीडियो देख रहे हो। अक्सर हमारे साथ होता है कि पूरा बुक या कोई आंसर याद कर लेते हैं, फिर भी हम पढ़े हुए या याद किए आंसर को भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। भूल जाने का कारण है हमारा मन। अक्सर होता है कि किसी बुक या कोई आंसर को याद करते समय हमारा मन कहीं और रहता है। याद करते समय हमारा दिमाग कुछ और सोचते रहते हैं, लेकिन पढ़ते समय हमें लगता है याद हो रहा है, लेकिन बाद में याद नहीं रहता। किसी भी पढ़े हुए को हमेशा याद रखने के लिए मन लगाकर पढ़ना ज़रूरी होता है। मन को एकाग्रता करना ज़रूरी होता है, जिससे हमें आसानी से किसी भी पढ़े हुए को याद कर सकते हैं। पढ़े हुए को याद करने के लिए हमें एकांत और मन को एकाग्रता के साथ जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक पे पूरा फोकस करने चाहिए, जिससे हमें याद रहेगा। अक्सर हम पढ़ते हैं तो याद करते समय हमारा मन कुछ और ही सोचते हैं और हमको लगता है कि हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो हमारा याद हो रहा है, लेकिन याद नहीं होता, हमें बस ऐसा अनुभव होता है।